आज हम करने लगे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जो हमने कल ग्रेविटी का कानून पढ़ा है वो और जो न्यूटन थर्ड लॉ है, ये तीनों एक जैसे हैं, सॉरी ये दोनों एक जैसे हैं, इसको हम देखने लगे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या। न्यूटन थर्ड लॉ बेटे आपने पढ़ा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो थर्ड लॉ ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन है, ठीक है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। माइनस की साइन जो है ना, ये बता रही है कि इनकी जो सिमत है वो मुखालफ है। ऐसे ही है जैसे हम जमीन पे चलते हैं, तो अगर आप अपने पाँव पे गौर करो तो चलते हुए हम जमीन को पीछे की तरफ करते हैं, ऐसे ही है, और रिएक्शन में जमीन हमें आगे की तरफ भेजती है। या जो बंदा पानी में तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, वो अपने बाजुओं से पानी को पीछे भेजता है और रिएक्शन में पानी उसको क्या करता है, आगे तरफ। तो ये आपने थर्ड लॉ पढ़ा। कल हमने पढ़ा था फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इस पूरी यूनिवर्स में तमाम मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ। आप फर्ज करो दो मैसेज हैं, एक मैस है M1 और दूसरा मैस है M2। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है। तो अगर मैस M1 M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस फोर्स के साथ F1 फोर्स से, करता है ना अट्रैक्ट, तो लाजमी बात है मैस M2 भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो मैस M2 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो होगी F2 फोर्स। नहीं समझ आए? तो मैस M1 का M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना क्या है, एक्शन, ये क्या है, और रिएक्शन क्या है, मैस M2 का M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। नहीं समझ आई? लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि हर दो मैसेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मैसेज, मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही हमने पढ़ा था ना। तो सपोज वी हैव टू मैसेज M1 एंड M2, दो मैसेज हैं, एक M1 है दूसरा M2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। फर्ज कर अगर मैस M1 F1 फोर्स से मैस M2 को अपनी तरफ खींच रहा है नीचे की तरफ, तो जो मैस M2 है वो M1 को F2 फोर्स से ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है, खेच रहा है कि नहीं खेच रहा, तो ये फोर्स एक्शन हुआ, मैस M1 का M2 को अपनी तरफ खींचना एक्शन हुआ, और रिएक्शन क्या है, मैस M2 M1 को अपनी तरफ खींच रहा है F2 फोर्स से, तो दोनों फोर्सेस जो F1 फोर्स है मैस M1 की, वो F2 फोर्स जो मैस M2 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है,
लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। देखो ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है ऊपर की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है और जो न्यूटन फोर्थ लॉ है ये दोनों एक जैसे हैं, कह सकते हैं ना। न्यूटन थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ एक दूसरे के रिजेंबल है, एक जैसे हैं। तो थर्ड लॉ में भी यही था ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, दोनों इक्वल होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। जैसे स्विमर है, वो जब पानी में तैरता है तो तैरते हुए पानी को पीछे भेजता है और रिएक्शन में पानी उसको आगे भेजता है। इसी तरह ये मैस एम वन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, रिएक्शन में वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये हमारे पास है फोर्थ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ।